जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। यदि आप सीआरपीएफ की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान जनरल हिंदी के टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 50 क्वेश्चन में यदि आपने 40 क्वेश्चन के सही जवाब दिए तभी आप इस टेस्ट में सफल घोषित किए जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आप लोगों को आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। पीडीएफ का एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, फ्री एंड कॉस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, रैदास, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा, काका, चाचा, फूफा, किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? जाता, जाना, हूं, जा। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हूं। चौथा क्वेश्चन, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, नाम धातु। सी वाला जो ऑप्शन है आपका संयुक्त क्रिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। सही वाक्य की पहचान करना है आप लोगों को। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 1970, सन 1975, सन 1998, सन 1993, बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1970, ऑप्शन ए इज राइट। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? ई प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता गलत होगा, राष्ट्रीय गलत होगा, राज्य ये भी गलत होगा। तो जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था शब्द आप पढ़िए आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। राष्ट्रीय ई लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा, स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा, ठीक है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान, बताइए क्या आंसर होगा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का शब्द पहला शब्द जो होगा वो आपका उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा आपका वो प्रत्यय होगा, ऑप्शन बी इज राइट। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे? पार्वती, पुत्र, पृथ्वी, क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रुद्राणी, नंदन, अवनी। दसवां क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई? तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? त्रिलिंग, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का शब्द आंख बंद करके, टी वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए आप लोग, ऑप्शन डी इज राइट।
अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, तो संयुक्त वाक्य किसमें होगा ये बताना है आपको। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई, बताइए क्या आंसर होगा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, बताइए क्या आंसर होगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है विस्मय बोधक, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? बहाओ, आओ, बहाओ, आओ, आओ, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, तो जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आओ, बोलने से ही पता चल जाता है इसमें प्रत्यय है या फिर उपसर्ग है कि क्या प्रत्यय होगा और कौन सा उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न पा वर्ग के वर्ण हैं दंतोष्ठ, कंठोष, ओष्ठ, दंतस्थ, बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ओष्ठ, ऑप्शन सी इज राइट। 17वां क्वेश्चन का देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? ये आपको बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है निम्नलिखित में से, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण। 18वां क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है, कस्तूरी शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, कस्तूरी शब्द है तो कस्तूरी शब्द होगा आपका स्त्रीलिंग, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, साहित्य जीवन की, खाली रिक्त स्थान, अभियुक्ति, अतिवृष्टि, अविवृष्टि, अनावृष्टि, बताइए क्या आंसर होगा। साहित्य जीवन की अविवृष्टि अभिव्यक्ति है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नवरात्र में कौन सा समास है? संख्यावाचक शब्द, तो जहां पर संख्यावाचक शब्द होता है वहां पर कौन सा समास होता है? मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, बहुपरी समास, द्वंद समास, कर्मधार समास, द्विगु समास, नवरात्र में कौन सा समास होगा? जहां पर संख्यावाचक शब्द आए तो वहां पर द्वंद समास होगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आए वहां पर बहुपरी समास होगा, और जहां पर योजक चिन्ह जाए वहां पर आपका द्विगु समास होगा, इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का देखिए किया है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन सी जो है आपका गुलाम वंश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित UNESCO के विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? खुजराव स्मारक समूह, हम्पी स्मारक समूह, सांची में बौद्ध स्मारक, भीमबेटका के शासनालय, बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हम्पी स्मारक समूह, ऑप्शन बी इज राइट। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 21 जून, बताइए क्या आंसर होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, समानता का अधिकार, बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2018, 10 नवंबर 2017, बताइए क्या आंसर होगा। भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के प्रभावी सीमा कहा जाता है? मैकमोहर रेखा, टूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, पाक जल मरुस्थम, बताइए क्या आंसर होगा। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैकमोहर रेखा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? यूके, कनाडा, यूएसए, फ्रांस। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? फ्रांस ने जीएसटी लागू किया था, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया? 11, 27, 59, 62, बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कुल 62 ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया। अगला क्वेश्चन, 1913 से 14 में हुए टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, चित्रा भगत, महिपाल, जगत राणा। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जतरा भगत, ऑप्शन सी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन देखा कर क्या है, संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का देखिए क्या है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किसने किया था? लॉर्ड बैटिक ने, लॉर्ड विलेजली ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, सर जॉन सोर ने, बताइए क्या आंसर होगा। सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत लॉर्ड बैटिक ने किया था, तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 10 मार्च 1943 को, 11 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1942 को, 20 मार्च 1942 को, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 23 मार्च 1942 को। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र सुमि द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किस लेख से मिलती है? सारनाथ अभिलेख, विसनगर अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अयोध्या अभिलेख, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका संग्रहालय कहां पर स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भीमबेटका संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन का देखिए क्या है, 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व तो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है, एकल आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। आपातकालीन 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु, मेंडल।
जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। 42वां क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये करते हैं राष्ट्रपति। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बल का एम के एस पद्धति में मात्रक है न्यूटन, डाइन, पाउंडल, वाट। बल का एम के एस पद्धति में मात्रक है ऑप्शन ए जो है आपका न्यूटन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय है 2 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे या पीछे, 4 घंटे आगे, बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 5.5 घंटे आगे। भारत का पहला रेडियो त्योहार किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। भारत का पहला रेडियो त्योहार किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दिल्ली में, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है गाइस, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या होती है? 3, 5, 6, 1011। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या होती है? जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 5। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है, निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दी जाती है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में कहां पर किया? पोखरण, राजस्थान, चांदीपुर, उड़ीसा, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, कारगिल, कश्मीर। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पोखरण, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। यदि आपको आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में, ऑप्शन बी इज राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, जय भारत।